मेरे पास तुम हो। उनके पास गाड़ी नहीं थी पापा, वो रक्षे पर आई थी और वापस भी रक्षे पर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी मांगने आई थी। हेलो, टीवी देख रहा है? नहीं, मैं अभी घर पहुंचा। मतलब न्यूज नहीं सुनी तुमने? कौन सी न्यूज? वो शहवार अहमद FIA की हिरासत में है, उसकी बीवी ने सब कुछ छीन लिया उससे। नो कमेंट्स? नो कमेंट्स। चल रखता हूँ फोन, बाय। नो कॉमेंट्स। तुम ठीक कह रही थी, तुमने मार डाला है उसको। उसे ये सुन के भी खुशी नहीं हुई कि उसे बर्बाद करने वाला हवालात की सलाखों के पीछे पड़ा है। तुम गलत कह रहे हो सलमान, उसको शहबार ने बर्बाद नहीं किया, मैंने बर्बाद किया उसको। मेरे यहाँ तुम जॉब नहीं कर सकोगी। वो दानिश के साथ मैंने पार्टनरशिप कर ली, उसी ऑफिस में वो मेरे सामने वाले कमरे में बैठता है। लेकिन तुम अपना एड्रेस दे जाओ, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। अगर बात बन गई तो फ़ोन करके बता दूंगा। आज की रात तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? नहीं महवेश, यहाँ नहीं रह सकती तुम। मैंने उसके चेहरे पे जो दुख देखा है, वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें अपने घर में रखूं, और ना ही मेरा दिल इस मेहरबानी के लिए तैयार है। आई एम सॉरी। तो मैं यहाँ बुलाने से पहले अगर सलमान ने मुझसे एक दफ़ा पूछ लिया होता तो मैं उसको साफ मना कर देती। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम जानो और खुदा जाने, लेकिन खुदा की कसम तुमने मोहब्बत करने वाली हर लड़की की इंसल्ट की है। सुनिए, मैं आज आपसे मिलने आई हूं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। उस दिन मैं अपने आप में नहीं थी, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, थैंक यू। आपके पास इसलिए आई हूं कि मुझे लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं। क्या?
वही तो सोच रही हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। वो आपसे शादी कर रहा है? ये अंदाजा है, शक नहीं है। वो बात दिल में थी इसलिए पूछ ली। वो उस दिन दानिश को फ़ोन किया और आपने फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि शायद, अगर आप नो कह दोगे तो मैं समझ। मैं जानती थी, पता है हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। पहले मैं भी उसी की तरह सोचती थी, लेकिन बाद में कुछ गलतियां हो गई मुझसे। मैं उसकी मोहब्बत तक पहुंच ही नहीं पाई। वो कहा करता था, क्या है जो हमारे पास छोटा सा फ्लैट है, क्या है जो बस जरूरत पूरी करने के लिए नौकरी है, क्या है जो गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास तो तुम हो महवेश। मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आपकी क्लास तो नहीं थी? नहीं नहीं, क्लास होती तो मैं डेफिनेटली क्लास खत्म करके आपसे मिलती। ओह हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं उसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत पर बिलीव ही नहीं कर पाई। ये तो आज सोचती हूँ कि वो इतना कुछ होने के बाद भी मुझे रोकना क्यों चाहता था। जिस दिन डिवोर्स हुई उस दिन भी उसने बड़े जतन किए थे, मगर मैं जा चुकी थी, रुकना ही नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन आप ये भी मानो, गलतियां तो हो जाती है ना। मैं ये नहीं मानूंगी। मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाजत नहीं देती, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ अगर ऐसी गलती करे तो उसे गलती नहीं कहूंगी, गुनाह कहूंगी। मर्द ऐसी गलतियां नहीं करते क्या? मैं ऐसी हजार औरतों को जानती हूँ जो चार छह दिन रो धोकर उनको माफ कर देती हैं, बल्कि ऐसी बन जाती हैं जैसे वो दूध के धुले हों। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों से अपना हक जरूर मांगो, लेकिन उनके हुकूक में से हिस्सा ना मांगो। तो मर्दों के पास गलती करने का हक होता है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि औरत के लिए माफ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि मर्द अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं करते ना, औरत अपनी कोख से बच्चे पैदा करती है। नस्लों की शनाख्त उसके रहम करम पर होती है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यू मे डिसएग्री, लेकिन अचानक क्या हुआ? आपकी तो शहवार अहमद से शादी हो गई थी ना? शादी नहीं की थी, उसने धोखा दिया मुझे। एन शादी के वक्त उसकी बीवी आ गई और बीवी को देखकर वो चूहा बन गया। क्या नाम था आपका? हानिया जी। हाँ हानिया, तो मैं ये कह रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल गई। आप ठीक कहती थी, मैं उसकी गुनाहगार हूँ। आप उसकी गुनाहगार नहीं हैं, आप खुदा की गुनाहगार हैं, क्योंकि वो आपको खुदा के भरोसे घर छोड़कर जाया करता था ना। या फिर आप मोहब्बत की गुनाहगार हैं, क्योंकि मोहब्बत ही भरोसा करने की हिम्मत देती है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। खुदा से लड़ाई में किसी और से मदद मांगेंगी तो क्या मिलेगा?
और अगर आप समझती हैं कि आपको आपके गुनाह की सजा मिल गई है तो जाके दुआ कीजिए, जो सजा मिली है आपको बस उतनी ही सजा हो आपकी। वरना अक्सर ये होता है कि यहां से सजा शुरू होती है। महवेश वो मोहब्बत बेशुमार देता है तो सजा भी बेशुमार देता है, और ये बात मैंने अपने अब्बा को देख के सीखी है। आइडियल 18 रुपए, स्टार वेस्ट 9 रुपए 80 पैसे, नौजिया 3 रुपए 80 पैसे, हत्ता के नासिर टेक्सटाइल की भी 3 रुपए 80 पैसे की रेस है। पिछले 1.5 सालों में ये शेयर 16 रुपए गिरा और सिर्फ एक बार 10 पैसे बढ़ाए सलमान। स्टेटमेंट देखी है उसने? मैं आया कमेंट सर। शट अप यार, कम सिगरेट बुझाओ यार प्लीज। ठीक है, क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ पे बैत कर रहा हूं। तुम स्टॉक एक्सचेंज के नए बाबा जी हो ना? मुर्शिद ये देखो, सलमान मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ये देखो कि तुम्हें कोई रास्ता आ रहा है। कौन है वो? बोलो कौन है। अब बस कर दे, निकल कर सामने आ। दोस्त से झूठ तो मत बोल। कोई है तेरे पीछे? कामयाबी के पीछे कोई औरत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी नहीं है यार, पक्का। और अगर मैं कामयाब हो रहा हूं तो मेरी कामयाबी के पीछे औरत नहीं है, कोई औरत हो ही नहीं सकती। फिर मेरी कामयाबी के पीछे मेरा बेटा है। ही इज माय स्ट्रेंथ एंड महवेश तू बदला ले उससे। कैसे? किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत कर और उससे शादी कर ले। अब क्यों हंस रहा है भाई? तेरी बात पे असर हो। तू कभी भूला नहीं उसे? तो रोज भूलता हूं उसे, तभी तो नींद आती है। तूने देखा नहीं मैं वक्त पे ऑफिस आता हूं, फ्रेश होता हूं बिल्कुल। अच्छा एक बात बता, अगर वो लौट के आ जाए, माफी मांग ले, तेरे पैर पड़ जाए, पिछली मोहब्बत के वास्ते दे, तो क्या करेगा? पहली पूछ रहे हो? हाँ, मोहब्बत की पहली। मोहब्बत की पहली। अब क्या हो गया भाई, अब क्यों हंस रहा है यार? तुम्हें तजर्बे की बात बताऊं, मोहब्बत जब पहली हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। अब मुझे तूने कहा ना कि वो पांव पकड़ कर पिछली मोहब्बत का वास्ता देगी, उस पर ज्यादा हंसी आई मुझे। बेसाले, जिस मोहब्बत को पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। वो माफी मांग रही है तुमसे, बहुत पछता रही है। महवेश, हाँ कसम से बहुत बुरा हाल है उसका, ना नौकरी है ना के रहने की जगह, बर्बाद, बेबस और बेआसरा। तुम्हें कहाँ मिली? मेरे घर आई थी, एक रात रहना चाह रही थी लेकिन आयशा ने मना कर दिया। ओ, कर सकता उसे माफ? हाँ क्यों नहीं, उसको बोलो माफी तो मांग ले। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? फोन मिला रहा हूँ उसे। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। तो बता, अगर मैंने उसको माफ कर दिया तो क्या उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? ऑब्वियसली। तो फिर मेरी बात ना करा, उसे फोन पे कह दे कि मैंने उसे माफ किया। खुदा की कसम उसे माफ किया।
आज वो मिलने आई थी मुझसे। कौन? महविश। अरे वाह, वो क्यों? बताओ ना, तुमसे क्यों मिलने आई वो? उसे लगा जैसे हम दोनों में कुछ चल रहा है, शायद मैं उसे शादी कर लूंगी। व्हाट? खैर, शक तो हो सकता है ना। अब उस दिन उसने दानिश को कॉल की तो फ़ोन मैंने उठाया। अब ये तो हमें पता है ना कि उसका फ़ोन मैंने क्यों उठाया था। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात अगर हो भी तो उसको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो उस मर्द पर जोर नहीं चलता जो पास होता है। वो तो अब उसके पास भी नहीं है, उसके बारे में क्या अंदेशे हैं उसको? एक्चुअली शी इज डिस्टर्ब्ड। शेवार ने छोड़ दिया ना उसको, समझो बेचारी वहाँ से रुसवा होकर आई है। ही बिट्रेड है। बेचारी? फिर तो बेचारी बहुत दुखी होगी ना। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारी का दिल टूट गया। बेचारी, बस करो वतीरा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तुम भी बस करो ना, बेचारी कोई ऐसा फालतू लफ्ज़ नहीं है कि उसको महविश के साथ जोड़ दोगी तो चलेगा। तुम तो टीचर हो यार, तुम्हें उसको बेचारी कहते हुए शर्म नहीं आती? मुझे उसको देखकर उस पर रहम आता है। पता है वो मेरे सामने फूट फूट कर रोना चाह रही थी, लेकिन उससे रोया नहीं गया। शायद वो सोचती होगी कि वो अब क्यों रो रही है। प्लीज वतीरा, सच्ची मुझे उस पर तरस आ रहा था। दानिश उसका फोन नहीं उठाया होगा ना? नहीं, उसने फोन किया ही नहीं। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैं किस मुंह से फोन करूं। अब करेगी। अब क्यों? अरे यार, वो तुम्हें चेक करने आई थी, अब उसको पता चल गया है कि तुम रस्ते में नहीं हो तो अब करेगी ना फोन। तुमने इसी अब्बा के फोन से सिम निकालती थी ना कि रास्ता साफ हो जाए। वो लौट कर सीधी अपने घर पहुंचे और दानिश उसको देखते ही बाहों में लेकर कहे, महविश तुम कहाँ चली गई थी? आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सो जॉब इज डन। लेकिन अब तुम भी अपने पैरों पर जमी रहना। तुम्हें अगर उससे मोहब्बत हो भी जाए ना तो अब्बा की सिम फोन में ना डालना। मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी? वाह वाह, ये ऐसा क्यों और कैसे लगा तुम्हें? फोन की सिम निकाल लेने से, मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे इस तरह हंसने से, और फिर हंसते हंसते तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से। वैसे तुमने जो भी किया अच्छा किया। अपने दिल पर पांव रखकर दुखी इंसानी की खिदमत कर दी, उसको जाने दिया उसके पास। लेकिन एक वादा करो, अगर वो मुंह फेर के तुम्हारे पास आ गया तो उसको ये ना कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। सुनो, अब तुम बैठकर सोचो, सुनाना बाद। हेलो, हेलो, हेलो दानिश। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। हेलो, हेलो, हेलो दानिश।
जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया तुमने। महवेश? अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। रूमी से बात कराऊँ? नहीं, तुमसे बात करनी है। श्योर, बोलो। तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये ना करो यार, ये नहीं होगा मुझे। क्यों? 5 महीने हो गए अपने आप को समझाने में, यकीन दिलाने में कि अब तुमसे मुलाकात नहीं हो सकती, अब तुम्हें आवाज दे के बुला भी नहीं सकता, ये नहीं बता सकता कि देखो महवेश मेरी शर्ट का बटन टूट गया। प्लीज महवेश, इस तरह नाम ना लो मेरा, मुझे लगेगा तुम यहीं कहीं मेरे पास हो। ना 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 ना, तुम अब कहीं नहीं हो। और ये तो सोचा ही नहीं था कि तुमसे मुलाकातें हुआ करेंगी, तुम मिलने आओगी और आकर वापस चली जाओगी। नहीं जाऊंगी, तो मेरा हाथ पकड़ के रोक लेना, तुम्हारी कसम नहीं जाऊंगी। रोका तो था, कहा था ना जाओ, कसम भी दी थी, याद नहीं है क्या? वो ही तो याद है बस। तब से डर गया हूं, अब किसी से नहीं कहता कि ना जाओ, ना ही ये कहता हूं कि जो गया है वो लौट कर वापस आएगा। लेकिन तुम आज भी याद हो मुझे, याद आती हो बहुत, और उस वक्त तो बहुत याद आती हो जब कोई गुरूर में प्यार की और प्यार में निभाने की बात करता है। हाय, किचन में क्या कर रहे हो? हेलो, कॉफी बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। प्यार आ रहा है तुम पर? प्यार आ रहा है या खौफ आ रहा है मुझसे? ऐसे ही होता है ना सलमान, एक बुरी लड़की अपनी करतूतों की वजह से 10 अच्छी लड़कियों को जलील कर देती है, इसलिए तो रात को उसको यहाँ रहने से भी मना कर दिया था। मैं बेवफाओं की सोहबत में भी नहीं रहना चाहती। शट अप यार, किस तरह की बातें कर रही हो तुम?
लेकिन बातें सच्ची हैं तुम्हारी। आई बिलीव महवेश जैसी लड़कियां ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन एक भी ऐसी मिल जाए तो कहीं ऊपर शक होने लगता है, है ना? खैर, क्या करके आई हो तुम? फिट कर दिया है उसे, जॉब दिलवा दी, वर्किंग वेमेन हॉस्टल में कमरा भी दिलवा दिया। कुछ पैसे देने चाहिए लेकिन उसने लिए नहीं। फिर आने लगी तो हाथ पकड़ के बोली, माफ़ी दिलवा दो मुझे। तुमने बात की उससे? हाँ, की तो थी। माफ़ी के लिए कहा? हाँ बोला। नहीं माना वो? अरे वो तो फौरन से मान गया। बोला उसे कह दो कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, खुदा की कसम माफ़ कर दिया। फिर बैग उठाया और मुंह मोड़ के चला गया। पता है आज मैं सारा दिन महवेश के साथ थी, उसके साथ खाना भी खाया। यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी कि उसके साथ नाश्ता करूंगी, याद नहीं है? इसलिए तो हम दोनों सुबह कैंटीन में बैठी होती थी। आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर, पर आज ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ब्राह्मण और किसी अछूत के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। मैं आने लगी तो कहती कुछ देर और बैठ जाओ, बैठी तो फिर उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। क्या पूछा? उसने कहा कि मेरी मोहब्बत तो किसी के फरेब में आ गई थी, पर दानिश की मोहब्बत को क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब दानिश अब मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? अरे क्यों करे मोहब्बत? वो मोहब्बत करना कोई ड्यूटी है? मतलब आप भाग जाओ और अगला आपकी नाम की माला जपता है। एक मिनट सलमान, उसके सवाल पर गौर करो, गुस्से में इसका जवाब नहीं मिलेगा। समझो तो वो कह क्या रही है। वो कह रही है कि दानिश तो अपने हिस्से की मोहब्बत को निभाता रहे। क्यों कह रही है? अच्छा रुको, याद करो, शुरू शुरू में तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मैं तुम्हारे मैसेजेस के जवाब में तुम्हें क्या क्या कह रही हूँ, याद है? थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी, डीन को जाके कहा था कि मुझे इस लड़की से डर लगता है, तुम्हारे सारे मैसेजेस भी पढ़ा दिए थे। हाँ, फिर डीन ने मुझे अपने कमरे में बुला के नंगी नंगी गालियां भी दी थी, और मेरे निकाह वाले दिन मुझे कान में कहता है सॉरी। निकाह को छोड़ो, वही रुक जाओ जब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। याद है तब तुमने दानिश को कहा था कि नहीं करती तो ना करे, याद है? हाँ याद है। और ये भी कहा था कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, यू राइट, ये कहा था मैंने। तो क्यों कहा था? अगर मेरे मोहब्बत ना करने से तुम्हारी मोहब्बत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो महवेश की मोहब्बत ना करने से दानिश को फर्क क्यों पड़ता है? You know what? You're very intelligent. है ना? Actually, you're not. You said I'm not intelligent. वो बुरा लग गया। Sorry यार। क्यों बोला था? बता दो। हमने शादी क्यों की? क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी सलमान। तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? मतलब हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, ये काफी नहीं था? ये क्या सवाल है सलमान? 15 मिनट से तुम्हारी तकरीर सुन रहा हूँ, मैंने पूछा ये कैसा सवाल है आयशा? अच्छा बोलो। क्या बोलूं? सवाल किया, जवाब दो। हमने निकाह क्यों किया? क्योंकि सोशली और रिलीजियसली हम साथ रहने के लिए शादी के पाबंद होते हैं। पाबंद तो होते हैं ना, लेकिन मोहब्बत को इस चोंचले की क्या जरूरत है? सच बताओ, तुमने रिसेंटली किसको पढ़ा? कई दिनों तक दानिश को और कुछ देर के लिए महवेश को। मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मोहब्बत हो भी जाए तो हम शादी क्यों करते हैं। उस दिन हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और सबको ये बताते हैं कि हमने एक दूसरे को चुन लिया, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी एल्स, एम आई राइट? राइट, बट तुम्हारे बट का भी जवाब देता हूं। But she made a mistake. उसको ये याद ही नहीं रहा कि साथ रहने के लिए उसने एक social और religious bond sign किया हुआ था, या फिर एक बेहतर opportunity के लिए उसको वो bond तोड़ना पड़ गया।
तोड़ दिया, गलती हो गई, माफी मांग लेगी, जान दे देगी, इस तरह कैसे चलेगी तुम्हारी दुनिया? यहां तो कदम कदम पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आयशा, एक से बढ़ के दूसरी। कल को मुझे कोई और अच्छी लग जाएगी, तुम्हें किसी और से प्यार हो जाएगा, चार दिन बाद तुम मुझसे मिलोगी, मुझे कहोगी मुझसे गलती हो गई ना, मैं कहूंगा इट्स ओके, तुम घर जाओ मैं आता हूं, मेरी गलती दो दिन चलेगी, तो आयशा सलमान इब्राहिम ये दुनिया कैसे चलेगी? वाह, अभी तो मैं सोशल कमिटमेंट की बात कर रहा हूं या रिलीजियस बॉन्ड की, मोहब्बत की बात तो की नहीं। मोहब्बत तो अंधे लोगों का खेल है, इस खेल में दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे तो दूसरे की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उसकी आंखें खुल गई आयशा, अब वो दोबारा महविश के लिए अंधा नहीं बनेगा। मेरे बगैर नींद कैसे आती है? पहले नहीं आती थी मामा, जब हॉस्टल में गया तो शुरू शुरू में जागता रहता था। मेरा बच्चा, इसलिए तो रिजल्ट्स बुरे आए थे। फिर जब मैं सानिया को पता चला था मेरी मामा ने, उनने मुझे बैठ के समझाया था कि हजारों बच्चे हैं दुनिया में जिनकी मामा नहीं है। तो तुमने मैं सानिया को बताया कि तुम्हारी मामा मर चुकी हैं? मैंने कहा वो हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा से मिलती हैं वो? नहीं, बस फ़ोन पे बात होती है। रोज़? रोज़ नहीं, कभी कभी, और अब तो फ़ोन पे भी नहीं बात होती होगी। क्यों? फ़ोन बंद रहता है उनका, दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ। तो क्यों ट्राई करते हो? ऐसे ही मामा अच्छी लगती हैं बहुत। मैं अच्छी नहीं लगती ना? अरे नहीं, आप तो मामा हो। तो फिर मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते? आपसे नाराज हूँ ना। और कब तक नाराज रहोगे? सच्ची बताऊँ? जब तक आपसे पापा नाराज रहेंगे। हंस क्यों रहे हो? पता है एक दिन क्या हुआ? तब की बात है जब हम फ्लैट्स में रहते थे, आप चली गई थी उस वक्त। शाम को पापा आए और जोर से आवाज दी, मैं विश, मैं विश। आपने दिए कभी उनको आवाज? नहीं ना। पता है वो क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? इसलिए वो अब हम दोनों को मिस करने लगी। हॉस्टल में रहती हूँ। मुझे पता है। तो मिला आया करो जाकर। रोज? हाँ, रोज। सॉरी बोल रही थी। फोन बंद करते हुए कहा पापा से बोलना सॉरी। आप तो कहते थे कोई सॉरी बोले तो झगड़ा खत्म। आपको भी तो फोन किया था। हाँ किया था। सॉरी नहीं बोला आपको? कहा था। फिर क्या? सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें बैठ के बताऊंगा कि मेरे और उसके बीच कोई झगड़ा नहीं था, हमें जोड़ के बनाया हुआ एक रिश्ता था, जिसे तोड़ के जाने में गुनाह होता है। गलती हो जाए तो बोलते हैं सॉरी,
गुनाह हो जाए सॉरी बोलने से माफी नहीं मिलती। तुमको कभी भी माफी नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं उसे भूल जाऊं तो उस दिन माफी मिल जाएगी उसे। मैं उनको भूल जाओ पापा प्लीज। तुम हो